काफ़ी चोट हम देख रहे हैं आपको लगी है, कल आपने प्रोटेस्ट किया, डिमांड आप लोगों की क्या थी जिनको लेकर आप सदन जाना चाहते थे? देखिए, पिछले एक महीने से ये प्रोटेस्ट इस कैंपस में था, उसके बाद बार बार कहा जा रहा था कि JNUSU वांट टू डायलॉग विद द वाइस चांसलर, डीन ऑफ स्टूडेंट, एनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, जब सारे चिट्ठी ईमेल्स किसी चीज़ का जवाब नहीं आया, जब छात्र मजबूर होता है प्रोटेस्ट करने के लिए, उसके बाद भी एक महीने में हमसे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाता है। तो लास्ट में हमारा कन्वोकेशन था और वहाँ पर तय था कि वाइस चांसलर, उपराष्ट्रपति जो भारत के हैं, और MHRD मिनिस्टर, वो वहाँ पे आएंगे। तो हम लोगों ने कॉल दिया कि हम वहीं जाके उनसे बात कर लेते हैं, और कहते हैं जो आपने ये हॉस्टल मैनुअल अभी लेके आए हैं, इससे जो JNU का खुद का डेटा कलेक्शन है एडमिशन टाइम का छात्रों के अलावा, उसमें से 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इमीडिएट इस सेमेस्टर के बाद वो फी पे नहीं कर पाएंगे और मजबूर होंगे JNU को छोड़ने के लिए। तो हमारा सिर्फ जस्ट सिंपल ये डिमांड है कि जो हॉस्टल मैनुअल आपने इल्लीगल तरीके से पास किया है उसको आप रिजेक्ट कीजिए, और जो छात्र प्रतिनिधि हैं उनको आप, उनसे सलाह मशवरा करके आप दोबारा से हॉस्टल मैनुअल लेके आइए, क्योंकि सिर्फ फीस का बात नहीं है, जो हॉस्टल मैनुअल है उसमें काफ़ी तरह के बहुत तरीके के ड्रैकोनियन रूल्स हैं। रिजर्वेशन पॉलिसीज को पूरी तरह से स्कटल कर दिया गया है, पहले यहाँ पे SC ST OBC छात्रों के लिए अलग से एक रिजर्वेशन पॉलिसी था, PWD छात्रों के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी था, वो पूरी तरह से जो नया हॉस्टल मैनुअल उससे निर्धारित है। पहला हॉस्टल मैनुअल अराउंड 150 पेज का था और जो नया हॉस्टल मैनुअल वो मात्र 50 पेज में सिमट के उनका रह गया है। तो जो उसमें इंक्लूसिव, जो इक्विटेबल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट JNU लेके चलता था, जिसको लोग मानते थे कि ये एक कैंपस ऐसा है देश में कि जहाँ पे आके गरीब तबका, गरीब गुरबा छात्र पढ़ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का पूरे देश में क्या हाल है वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उसमें JNU हमेशा से एक लॉ रहा है दिए कि किस तरह से लोग यहाँ पे आके अपनी एजुकेशन पूरी कर पाएँ। लेकिन नया हॉस्टल मैनुअल आने के बाद वो पूरी, जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कैंपस में नहीं आ पाएंगे और बहुत निराशाजनक है। हमने ये देखा कंटिन्यू, जब से JNU का पूरा मामला ये उठा है, काफ़ी प्रोटेस्ट आप लोगों ने पहले भी किए हैं, पुलिस का जो रवैया JNU के स्टूडेंट्स के साथ रहा है वो बड़ी जुल्म और बर्बरता वाला रहा है, और अब आपके जो VC हैं वो भी आपसे नहीं मिलते, पिछले जितने मामलात हुए उनमें भी यही देखा गया, तो कौन सी एक मानसिकता, कौन सी एक आइडियोलॉजी इसके पीछे काम करती है? एक्चुअली इट इज़ अ बिग नेक्सस। तो अभी अगर आप पूरे देश में देखेंगे तो जिस तरह से राइट विंगर्स सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके और जो उनकी फंक्शनिंग था उसको डिसमेंटल करने का कोशिश जारी है, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशंस में रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं वो पूरी तरह से एक विचारधारा से, एक रंग में पूरे सारे इंस्टीट्यूशंस को रंगने की जो कवायद है उसी में एक मूव है ये। और JNU 2016 के बाद से हमेशा उनका टारगेट है और ये JNU की स्पिरिट रही है कि यहाँ के छात्र इतनी जल्दी से हार मानने वाले नहीं हैं, तो इसीलिए जो बर्बरता है वो यहाँ के छात्रों पे और बेरहमी से तोड़ी जाती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, MHRD हो, या फिर होम मिनिस्ट्री हो, साफ साफ पूरी तरह से JNU का हर एक छात्र उनके हमेशा प्रव्यू में रहता है कि यहाँ जो गतिविधि होती है वो डरते इसी बात से हैं कि यहाँ पे जो लोग बोलते हैं उनकी बोलती बंद कर दी जाए, लेकिन ऐसा JNU में नहीं होने वाला। यानी सरकार शिक्षा को निशाना बनाती है, शिक्षा, अगर आप शिक्षा लेंगे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो लोग जाते हैं उनको बिल्कुल रोबोटिक स्टाइल में किस तरह से तैयार किया जाता है, वो अपने राइट्स की बात कहाँ ही कर पाते हैं ये हमने देखा है। जब भी प्रतिरोध की आवाज़ उठी है वो हमेशा पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से उठी है, क्योंकि वो लोग समझते हैं, अहमियत जानते हैं कि हाँ, सरकार ने, देश के नागरिकों ने जो हमें एक हक दिया है इस शिक्षा को आसानी से ग्रहण करने का, तो वो उस जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो उस आवाज़ को दबाने के लिए पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ही ख़त्म करने की जो कवायद इस सरकार की है वो बाकी सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और अब जो चुनिंदा यूनिवर्सिटी बची हैं, और ऐसा नहीं है कि JNU में ही ये प्रोटेस्ट चल रहा है, IITs, IIMs, लेकिन वहाँ के छात्रों को डरा के इतना रखा जाता है कि दे आर नॉट यूनाइटेड। तो जो ये जो पूरा का पूरा अटैक है वो हमारे यूनियनाइजेशन पे भी है, JNU में जो आवाज़ उठ पाती है वो हमारी यूनियन का ही नतीजा है कि हमारी यूनियन पूरी तरह से मजबूत है, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हो और सारे छात्र लामबंद हो के, क्योंकि आप
इस देश के समाज को अलग अलग तरीके से कभी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट सकते हैं, लेकिन एक तबका छात्र ऐसा बचता है जो इस आंदोलन को पूरा खड़ा कर सकता है, और पीपल यूनाइटेड शैल ऑलवेज बी विक्टोरियस, धर्म नहीं देखे जाते। बहुत शुक्रिया, आपने बात की। तो इस वक्त दिल्ली के JNU में ये पूरा मामला जो आपने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा होगा, कुछ नेशनल मीडिया के जो चैनल हैं उन्होंने भी आपको दिखाया होगा, तो जो पूरा मामला एक खड़ा किया गया, जिसको पूरी तरह से एक रंग दिया गया, पुलिस को किस तरह से ऑर्डर हुए कि आप लाठी चार्ज करिए, जबकि ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे प्रोटेस्ट में या कुछ प्रोटेस्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें पुलिस को अपनी तमाम तर मर्यादाओं का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन JNU के जितने प्रोटेस्ट आपने देखे होंगे उसमें कहीं से लेकर कहीं तक ना पुलिस ने अपनी किसी मर्यादा का ख्याल रखा, ना जितने सुरक्षा बल हैं उन्होंने अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखा। पहला स्टेप पुलिस की तरफ से जो होता है वो JNU के छात्रों पर लाठी चार्ज की जाती है। शिक्षा को लेकर यहाँ बात की जा रही है, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे थे JNU के जितने छात्र हैं, वो सब कल बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, सदन तक जाने का इरादा था, लेकिन बीच में ही रोक कर ये सब कुछ इन लोगों ने बताया कि किस तरह से पुलिस ने इनके साथ जुल्म और बर्बरता की हदें पार की हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।